हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? भगवान करे आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और परिवार में सबका ध्यान रखिए और परिवार में खुश रहिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले वही है शुरुआत का, मैं ब्रश व्रश करके आ गई हूँ किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ। किचन में आते ही मेरा बन गया है चाय, एकदम कड़क चाय बन के तैयार है। मैं गैस ऑफ करती हूँ। मैंने यहाँ पे अरहर की दाल बैठा ली है कुकर में, क्योंकि आज मैं दाल सांभर बनाऊँगी और पत्ता गोभी तो काट ही लिया था कल रात को ही, और इसका सब्जी बनाती हूँ। चलिए चाय छान लेती हूँ। पहले मेरा लंच बन के तैयार हो गया है, पत्ता गोभी की सब्जी और मैंने बनाई है सांभर वाली दाल, बड़े बड़े टमाटर काट के डाले हैं और ये बहुत टेस्टी होती है गाइस। अब मैं लड्डू के पापा को, किशु के पापा को नाश्ता लगा देती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी खा ले, उनका भी लेट हो रही है। और मैंने बनाई है पतली पतली पराठे, प्लेन पराठे, और थोड़ी सी सब्जी डाल देती हूँ। अब वो जल्दी जल्दी खा लेंगे। लाइट ऑन कर लो बाहर का, यहाँ का। ये लो गोलू, ये मैंने नाश्ता दे दिया, अब तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें लेट हो रही है। जल्दी जल्दी दिखाओ फेस जरा। ये देखिए किशु मेरा उठ गया। किशु बोलो हाय, बोलो सबको हाय हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ गया, उठते ही मम्मा को रो रो के बुला लिया। मम्मा काम कर रही थी, मम्मा को रो रो के मैंने बुला लिया, मैं तो उठ गया है। बोलो हाय। हाय फ्रेंड्स, मैं अभी ठीक हूँ थोड़ा। देखिए मैं इसको फीड करा रही थी और सो गया, क्योंकि ये सोता नहीं है रात भर। रात भर सोता नहीं है तो उठता है सोता है, उठता है सोता है, तो इसलिए अभी ये फिर सो गया। सुबह तक मैंने सोया नहीं था ढंग से, ये उठ रहा था सो रहा था, उठ रहा था सो रहा था। अभी देखो ये सो गया, देखिए आराम से सो गया। डायपर भी चेंज करने नहीं दिया इसने, इतना परेशान कर दिया। अभी फिर इसको छेड़ूंगी तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अभी मैं इसको लेटा के नाश्ता कर लेती हूँ। ये देखिए लड्डू तैयार होके बैठ गया है। लड्डू देखिए पूरा हीटर के सामने बैठा है, कि मैंने इसको जान के रखा है कि इसको थोड़ा सा क्या गरम आँच मिले इसको। और है हाय बोलो सबको, आज तुमने हाय भी नहीं बोला किसी को भी। हाँ बाबू, लड्डू मेरा, अरे मेरा बच्चा बेटा। इसके मालिश वालिश कर दिया अच्छा से और कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिया, बिग सिक्स लगा दिया, नाक में ड्रॉप भी डाल दिए हैं। अब क्या करोगे बाबू? लड्डू मेरा खेलेगा ऐसे करके, अच्छे अच्छे घोड़ा गाड़ी खेलेगा लड्डू मेरा, घोड़ा गाड़ी खेलेगा अच्छे अच्छे अच्छे, और खेलेगा और खेलेगा और खेलेगा और खेलेगा और खेलेगा और खेलेगा और अच्छे 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 अच्छे। लड्डू मेरा खेलने लग गया। रिकॉर्ड हुआ ये देखो, दादी का किशु,
दादी का किशू, दादी का किशू, बोलो हाय हाय, मैं उठ गया, मैं सोया हुआ था, है ना। अभी दादी का कॉल आने वाला है, इसको दादी 2-3 बार फोन करती है, जैसे तबीयत खराब है तो और करती है। दादी का अभी दादी निकली है टूर पे। दादी एक्चुअली गई है हमारे ननद के घर, काफी दिन से उनको जाना था तो गई है मिलने के लिए, किंतु वो आ नहीं सकती थी कि उनका बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था। वो भी देखने गई थी उनकी मम्मी, हमारी मम्मी जी, तो इसकी दादी तो गई हुई है। तो हमने कुछ ननद को, हम अपना भांजे को कुछ कुछ गिफ्ट भेजे हैं यहाँ से, वो भी दे देंगी लेके। और ननद भी मुझे कुछ ना कुछ भेजती रहती है। अब मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है, वो मेरे को बहुत सारी चूड़ियाँ भेजी थी इस बार। मैं आप किसी दिन दिखाऊंगी कलेक्शन में अपना चूड़ियों का, तो चूड़ियाँ भेजी थी। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो वीडियो कॉल वगैरह में, हम लोग की आदत ये है कि हम किसी की शिकायत नहीं करते हैं। एक तो शिकायत भी नहीं करते, हम अपनी बातों में सब खोए रहते हैं, शॉपिंग क्या करनी है, क्या पहननी है, कैसा कलर पहननी, और हम दोनों की कलर भी बहुत मैच करता है। मतलब हमारे टेस्ट हम लोग का एक ही है, हम मुझे जो पसंद आता है उनको भी वही पसंद आता है। तो मेरी ननद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मुझसे बड़ी है, मैं उससे छोटी हूँ। है तो मेरी एक ही ननद और मैं भी उसकी एक ही भाभी हूँ, तो ननद को देना पड़ता है क्योंकि हम, मेरी एक ही ननद है, 4-5 तो है नहीं, तो उसको हम लोग देते हैं जरूर, क्योंकि एक तो प्यार से भी, देखो देखो एक होता है कि मेरा कहना क्या है, देखो आगे वाला तुम्हें इज्जत देता है तो तुम्हें भी इज्जत देना चाहिए, है कि नहीं। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के बीच में कभी भी ना कभी किसी की शिकायत, ना हम एक दूसरे से शिकायत करते हैं, ना मम्मी हम जाके कभी शिकायत करती है कि तुम्हारी भाभी ऐसी बोल रही थी, ये था वो था, हम लोग कभी भी ऐसा कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ आती नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम लोग का मन में एक दूसरे के लिए इज्जत बहुत है, कि मैं उनको बहुत इज्जत करती हूँ, वो भी मुझे करती है, जब भाभी मैं भी जब ननद की तरह मैं उसको बहुत अच्छी मानती हूँ। तो हम लोग भी कभी ऐसे ऐसे वीडियो कॉल बातें करते हैं तो हम दोनों के बीच में यही बातें होती है कि इस बार क्या लेना है, क्या कर, कुछ फेस्टिवल आ रहा हो तो हम लोग के बीच में खास शॉपिंग के बारे में बात होती है। अब तो बच्चे हो गए तो बच्चों के बारे में बातें होती है, कैसा है तुम्हारा बेटा, अब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग ऐसे वो दोनों बातें करेंगे जैसे हम लोग बात करें, ये सब बात होती है, ऐसी होती है बात। क्योंकि मैं रिश्ते में, मैं वो रिश्ते मुझसे बड़ी है ना, तो कभी भी ऐसा बाय चांस की बात है, कभी कोई बातें बुरा लग जाती है और मैं छोटी हूँ तो मैं उनको फ़ोन करके मनाती हूँ, बात करती हूँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं छोटी हूँ तो मुझे फर्ज बनता है कि मैं उनको बात करूँ, कॉल करके पूछूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ भाई मेरे को कुछ बोल दिया तो मेरे मुँह फुला के बैठ गई, ऐसा कभी नहीं होता है हम लोग के बीच में, ऐसा कभी नहीं। तो वही है ना, इज्जत दो तो इज्जत लो, ऐसी ही बात है। और हम लोग के बीच में तो बॉन्डिंग अच्छी है, आप देखोगे जब आएंगे तो। और उसमें मेन भूमिका मम्मी जी, मम्मी माने उनकी ये आदत है ना, वो कभी भी इधर की बातें उधर, उधर की बात इधर नहीं करती है, उनका ये आदत है, उनकी आदत बहुत अच्छी है, वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करती है। हमारे फैमिली में कोई किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो किसी की बुराई करे, क्या बुराई करेंगे किसी की, बुराई करके क्या मिलेगा, अपने में मस्त रहो, मगन रहो, खाओ पियो मस्त रहो। और मेरे को तो अच्छा लगता है खाना, मेरे को तो खाना इतना पसंद है कि भाई खाते रहो पर शरीर लगता नहीं है। है ना बाबू, किचू किचू, अभी दादी का फोन आने वाला है, मेरा बेटा कैसा है करके पूछेंगे दादी, मेरा लड्डू गोपाल, दादी ऐसे बोलते हैं कि लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू कैसा है, मेरा लड्डू कैसा है, इधर देखो, इधर 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 कैमरा में देखो। तो टाइम हो गया है, 10 बज गया है, मैं और मेरा लड्डू थोड़ा देर आराम करने लगे, ये तो सो गया और मैं पड़ी पड़ी वहां पे लेट गई, और इसके पापा भी आ गए हैं। मैं दिखाती हूँ, कहाँ हो, कहाँ हो जी। इसके ये पापा लो, तुम बोली थी ना लाने के लिए। ले आए, तुम्हें याद था। हाँ
थैंक यू। ये देखिए क्या कहते हैं इसको, तिलकुट, खोया वाला तिलकुट। हाँ ये खोया वाला तो तिलकुट लेके आए हैं, मुझे ये बहुत पसंद है दे तू क्योंकि मेरा। ठंड के मौसम में अगर तिलकुट नहीं खाया, खोया वाला तिलकुट नहीं खाया, ये वाला, हाँ हाँ बेटू मेरा यही तो पसंद मजा है। आता है सर्दियों में, यही चीज हाँ खाती हूँ हाँ मैं, बड़ा बेटू अच्छा मेरा, लगता है। देखो कैसे देख रहा है बेटू मेरा। मम्मी परेशान की पूरा दिन, ये तुमने मम्मी को परेशान किया। ओ, हम काहे परेशान और करेंगे। परेशान किया किसको? हाँ हाँ बेटू, ओले मेरे बेटा। ओ हा हा ओले ले ले बेटू, बाबू सोना मेरा, चूना मेरा, ओ ले ले बोल रहा। ओ हा। मैं चली खोया वाला तिलकुट खाने के लिए। आज खाना बेसिकली कुछ नहीं बनाना, सब कुछ दिन का पड़ा हुआ है, सिर्फ गर्मा गर्म थोड़ा चावल बनाएंगे, है ना। तो गाइस, तब वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को अब आज यहीं पे यही पे रोकते खत्म हैं, करते हैं, खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल तब मिलते तक हैं के फिर लिए से। हमारे वीडियो देखते रहिए और प्यार से लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट। नाइट।